जिन भाइया खातर सिद्धू मूसे वाला इंस्पिरेशन था उनमें ते कुछ भाइया के सिद्धू की याद में और उस ते अपना जुड़ाव बताने खातर गाने आए जो कि सिद्धू ते ट्रिब्यूट थे। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि या उसकी प्रशंसा में भी कह सका हाँ, पर इस केस में श्रद्धांजलि कहे जावगे। जिसमें तय एक गाने की बात और रिव्यू आपा ने कल करया था जो कि था देवेंद्र अहलावत का लीजेंड नेवर डाई। और आज की वीडियो में आपा एक और गाने का रिव्यू करांगे जो कि है गामड़ी वाले भाई का, जिसने आरपी की गेल सिसा गाना भी लिखा था। जिस गाने की इस वीडियो में बात करांगे उसका नाम कुछ एग्जैक्ट तो कोन्या, बस ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला है। तो देखांगे कि इस गाने की कहानी के है, गाना किस इमोशन पर बेस्ड है और लास्ट में गाने के बारे में कुछ और एडिशनल बात भी करांगे। और साथ में एक बोनस गाना और है और वो भी सिद्धू पर ट्रिब्यूट है जो कि लास्ट में बेरा लगेगा। पहला मेरे फेवरेट पार्ट की बात करा जो कि है गाने की कहानी। गाने की शुरुआत तो वह आदसे के कारण ते और उसमें इन्वॉल्व होए ओड मानसा ते। हाँ सारा सब नहीं साब क्यों सकोटी अटाई साली गंदी राजनीति गंदे खेल खेल दी बाजी पटापे को थापी जोसी जरी नहीं गई साला पे बराबरी हाँ करी नहीं गई। जिन पर सिद्धू का रुतबा अजम ना होया, अरुण ने गोली जरूर मारी पर उसका नाम अमर हो गया उसने ना मार पाए। और जोटा मरण के बाद भी उस ते दुगने चर्चे करा गया जितने जिंदे जी कराए थे। हाँ जिंदे जी भी लोग पे कराए जाते नहीं वो चर्चे करा गया उठे दुगने मरे पे। और इस बात ने जब मैं मेरे खुद के एग्जाम्पल ते देखूं तो मैंने पहला मूसे वाले के गाने गणे से ना सुने थे और ना गणा बेरा था के कुछ कर रहा है, परीब देखा के कुछ कर दिया उसने। सबकी जुबान पे आज सिद्धू मूसेवाले का नाम जा लिया। फिर उसके बाद सिद्धू की अपनी मौत प्रिडिक्ट करने वाली बात और उसके रीजन की बात का जिक्रा भी सुनन ने मिल्या। जुकर अंत में तरक्की बैरी बनेगी और वाय बनी तो आके अंत में तरक्की की बैरी बनेगी सब जाना था वो पहला ये था करया जिक्रा। और सिद्धू ने अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखी और लिख के लोगा ते भी सुना दी अपनी पूरी की पूरी कहानी। और आगेती की कहानी भी पहला लिख के और रिकॉर्ड करके धर दी। यो गाना सिद्धू की फैमिली के इमोशंस ने भी टच कर गया। एक माँ के हाथ चलते उका लाल काट लिया काट दे जड़े एक लोटी बेल की। और सिद्धू का जिक्रा हो और उड़े उसके रुतबे का जिक्रा ना हो तो बात अजम सी ना हो तो इस गाने में सिद्धू के रुतबे का भी सुथरी डाल ध्यान रखा गया है। इस गाने में गामड़ी वाले ने अपनी ओरिजिनलिटी बरकरार रखी। यो अपने गाने में थोड़ी ही सिंपल तरीके ते बढ़िया बात लिखने की कोशिश करया करे। वर्ड राइमिंग का जाल गणा तगड़ा ना लिखा करे और सिंपल और अट्रैक्टिव लिरिक्स तक पहचान बनाने लाग रहा है। यो गाना भी 48 घंटे में तैयार कराया गया और उसके हिसाब से गाना मन ने तो ठीक लग गया। थमने जे ना सुना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जे सुन लिया हो तो बताइयो किसा लग गया। जिसा मैंने पहला भी कही थी कि एक गाना और है और वो गाना यो है। यो गाना पंजाबी है मेरे तो कम समझ में आवे है पर इस ट्रिब्यूट में सिद्धू वाला दम दिखा तो ज्यादा यो भी बता दिया। गाने का नाम सिद्धूज फैन है, लिखा और कंपोज करया है रमराज मीना ने और गाया है जीतू ने। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सुन सको हो। इस वीडियो खातर इतना है, जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो गेल। इतने राम राम।